फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंतरा। आज मैं बनाने जा रही हूं क्रिस्पी चिकन विंग्स। हम सभी को पसंद आने वाला ये डिश अक्सर हम लोग ऑर्डर देते हैं रेस्टोरेंट में, क्यों ना आज इसे घर में बनाएं बहुत ही सिंपल स्टेप से और बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चिकन ले लिए हैं, ये जॉइंट में हमको कट करना है। जॉइंट में कट करके हम चिकन विंग्स को रेडी करेंगे। देखिए ऐसे होगा जॉइंट में कट करने के बाद। तो आप चाहे तो इसे माके से कट करके भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आप कट करके चिकन विंग्स रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडी हो गया चिकन विंग। पे डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, एक चम्मच नमक आपके स्वाद अनुसार डालिएगा, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छा से मिक्स करेंगे। एक एक चिकन का पीस अच्छा से कोट होना चाहिए मसाला से। हम सब मिक्स करके अभी इसको आधा घंटा के लिए, कम से कम आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे। आपके पास अगर टाइम हो तो 2-3 घंटा के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा के लिए मैरिनेट करूँगी। अभी एक बोल में 1 कप मैदा डाल देंगे और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। मैदा ज़्यादा होना चाहिए कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी से। तो इसमें मिलाएंगे अभी 1 चम्मच काली मिर्च, आप फ्रेश कूट के डालिए, उससे ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छा से मिलाएंगे। अभी मैरिनेट चिकन एक एक पीस करके ये ड्राई इंग्रेडिएंट में मिलाएंगे। एक साथ नहीं मिलाइएगा, एक साथ चिकन डालने से ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ चिकन अच्छा से कोट नहीं होगा और अच्छा से कोट नहीं होने से फ्राई करते समय ऊपर में चिकन का जो स्किन है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ऐसे प्रोसेस में आपको चिकन को कोट करना है। चिकन का पीस अच्छा से पहले कोट कर लीजिए और एक दूसरा बोल लीजिए, उसमें एक एक चिकन का पीस कोट होने के बाद ऐसे एक्सेस जो मैदा है उसको निकाल दीजिए ऐसे टैप करके और दूसरा बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ऐसे प्रोसेस में अगर आप कोट करते हैं अच्छा से कोट भी हो जाता है चिकन में सारा ड्राई इंग्रेडिएंट और वो फ्राई करते समय बहुत अच्छा से भी फ्राई होके क्रिस्पी बनता है। तो सारा चिकन को हम ऐसे ही प्रोसेस में कोट करके एक दूसरा बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया है चिकन कोट करना। आप देखिए एक एक चिकन का पीस बहुत ही अच्छा से कोट हो जाता है। तो आप ये प्रोसेस से ऐसे करके कोट कर लीजिए। अभी सारा चिकन को हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। एक पैन में हम तेल डाल दिए हैं, उसको बहुत गर्म नहीं करना। आप देखिए हल्का सा जब गर्म हो जाएगा उसमें हम चिकन डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक एक पीस ऐसे चिकन को डालिए। तेल बहुत गर्म नहीं हुआ है, हल्का मीडियम गर्म होने के बाद आप डालिए। अगर बहुत गर्म तेल करके आप डालिएगा ऊपर से जल्दी चिकन फ्राई हो जाएगा और अंदर में वो कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए तेल को गर्म करने के, हल्का गर्म करने के बाद चिकन को डालिए और मीडियम फ्लेम पे चिकन को एक साइड पकाइए और एक साइड पकाने के बाद फिर उसको फ्लिप कीजिए। 5 मिनट के बाद एक साइड चिकन पक गया है। अभी हम सारा चिकन को फ्लिप कर देंगे ऐसे करके और इस साइड में भी हमें 5-8 मिनट चिकन को पकाना है। नहीं, हाई फ्लेम पे अगर पकाते हैं तो चिकन अंदर में कच्चा रह जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस में कम से कम 12-14 मिनट हमको पकाने के लिए लग गया है। देखिए यहाँ पे मेरा फ्राई हो गया है। तो सारा चिकन मेरा अच्छा से क्रिस्पी हो गया है। अभी एक प्लेट में हम ऐसे करके निकाल लेंगे। तो सेम प्रोसेस में हम सारा चिकन को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और एक साइड फ्राई होने के बाद फ्लिप करके उसको फिर फ्राई करना है और लास्ट में चिकन जब पक जाएगा तब गैस का फ्लेम हाई कर लीजिए और चिकन को 2 मिनट के लिए फ्राई कीजिए। ऐसे करने से चिकन का जो ऊपर वाला स्किन है वो क्रिस्पी बनेगा।
अभी सॉसेस रेडी करेंगे। तो एक पैन में हम 1 टेबलस्पून बटर डाल दिए हैं, इसको मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे 1 कप भर के बारबेक्यू सॉस। ये सॉस बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये सॉस ये रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में यूज़ होता है। और डालेंगे 1/2 कप रेड चिली सॉस और 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट को अभी अच्छा से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके अभी मिक्स करना है। अभी लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी मधु। मैं यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी का हनी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी डाला जाता है। मेरे घर में थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी का भी डाल सकते हैं। तो सारे चीज़ों को अभी अच्छा से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे और अभी ऐसे जब उबाल आ जाएगा तब गैस का फ्लेम एकदम बंद कर देंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। और ये स्टेज में अब सारा फ्राई किया हुआ चिकन इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा चिकन डालेंगे, सॉस के साथ अच्छा से कोट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे चिकन डाले हैं हम, अभी अच्छा से सॉस के साथ कोट कर लेंगे। अच्छा से कोट होने के बाद बाकी सारा चिकन भी डाल देंगे और इसको भी अच्छा से सॉस के साथ कोट कर लेंगे। थोड़ा सा इस ये स्टेप को फास्ट कीजिएगा, नहीं तो चिकन सॉगी बन जाएगा। गैस का फ्लेम ऑन करके चिकन को सॉसेस के साथ अगर मिक्स करेंगे तो चिकन का ऊपर वाला जो स्किन क्रिस्पीनेस नहीं रहेगा, तो इसलिए गैस का फ्लेम हमेशा ऑफ करके सारा सॉसेस के साथ चिकन को मिक्स कीजिएगा तो चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। अभी यहाँ पे अच्छा से हम कोट कर लिए हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा सेसमी सीड और बनके रेडी हो गया है चिकन विंग्स। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है और खाने में एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनता है। अभी हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे बनके रेडी हो गया है क्रिस्पी चिकन विंग्स। बहुत ही आसान तरीका से ये क्रिस्पी चिकन विंग्स बनके रेडी हो जाता है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नया रेसिपी के साथ, थैंक यू।